हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ड्रम स्टिक यानी कि सहजन के बारे में। हमारे यहाँ इसे तो सूटी के नाम से जाना जाता है, रांची झारखंड में इसे सूटी बोला जाता है। आपके शहर में इसको किस नाम से पुकारा जाता है आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं, मैं भी देखूं कि इसके और कौन कौन से नाम हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सहजन के पेड़ का कोई एक भाग ही नहीं बल्कि इसका फल, फूल, छाल, पत्तियां और जड़ सभी का इस्तेमाल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सहजन यानी कि ड्रम स्टिक का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सर्दी, खांसी, गले की खराश और छाती में बलगम जम जाने पर सहजन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप चाहे तो सहजन का इस्तेमाल सब्ज़ी बनाकर या उबाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे पानी में अच्छी तरह उबाल कर इस पानी को पीना भी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो भी सहजन का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सहजन का सूप पानी सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी के अलावा बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के लवणों से भरपूर होता है। ये मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटाशियम और फाइबर से भरपूर होता है। ये सभी बॉडी के तत्वों को पूर्ण विकास करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, ड्रम स्टिक का इस्तेमाल आप सूप के रूप में कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसके लिए आपको छोटे छोटे पीसेज में इसको काट लेने होते हैं और पानी को आपको 2 कप पानी चाहिए, उसको आप उबाल ले। उबाल आने पर आप इसके जो पीसेज है उसमें डाल दे और जब पानी सूख जाए, हाफ हो जाए, तब फिर आप इसको पसा लें और उसके बाद स्ट्रेन करने के बाद आप उसको पिएं। अगर आप चाहें तो इसमें टेस्ट ऐड करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं और नमक डाल सकते हैं और चाहे तो इसकी पत्तियों को भी उसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सहजन के सूप को नियमित रूप से पीते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होती है। फ्रेंड्स, सहजन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसके वजह से ये हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। फ्रेंड्स, सहजन में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है और इसके वजह से आपको कब्ज नहीं होने देती है। फ्रेंड्स, अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार होता है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है जिससे आपको एक निखरी और दमकती त्वचा मिल जाती है। फ्रेंड्स, जिन लोग को भी डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उनके लिए इसका सूप का सेवन करना नियमित रूप से काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि यह शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका सूप का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से काफ़ी मदद मिलती है। जिन लोगों को भी इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करें। यह हार्ट को मजबूत करने में भी काफ़ी मददगार होती है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि जो चीज़ फ़ायदा देता है उसका असीमित रूप से इस्तेमाल करने पर वो आपको नुकसान भी दे सकता है, तो उसी तरह इसके कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, हो सकता है कि आपका मिसकैरेज होने का चांसेस को बढ़ा देता है। और सहजन की पत्तियों में लैक्टेजिव गुण होते हैं जिसकी वजह से पेट में गड़बड़ की समस्या हो सकती है और अधिक मात्रा में यूज़ करने से सीने में जलन और डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी खून पतला है और अगर वो किसी तरह का दवा खा रहे हैं तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खून को और ज़्यादा पतला कर सकता है, तो उनके लिए समस्या भी खड़ी हो सकती है। फ्रेंड्स, सहजन या फिर ड्रम स्टिक हर साल सीजन में आते हैं और अभी इसका सीज़न चल रहा है तो आप इसका सूप बनाकर पिए, सब्ज़ी बनाकर खाएं, काफ़ी हेल्थ और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। आप इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, अपने इम्यून सिस्टम के पावर को बढ़ाएं। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया, ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद आसान है और बिल्कुल फ्री है। नीचे का रेड कलर का बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि आने वाले